कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में मजीद 11 मरीज दम तोड़ गए। मुल्क भर में कोरोना से जान बचाने अफराद की तादाद 28,606 हो गई। 24 घंटे के दौरान 33,760 कोरोना टेस्ट किए गए। मजीद 263 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 0.77% रही। भर में कोरोना से 51,10,000 हलाकते, 5,36,00,000 मरीज। अमरीका में 7,83,439, भारत में 4,63,245 अमवात हो चुकी। रूस में 2,54,163, फ्रांस में 1,18,137, बरतानिया में 1,42,835, मेक्सिको में 2,01,089 और थाईलैंड में 20,034 अमवात हो चुकी। दौरान इस्लामाबाद के 36 शहरी डेंगू का शिकार। इस्लामाबाद में इस वक्त 4,351 अफराद डेंगू का शिकार हैं। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल आज न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। T20 का नया चैंपियन कौन होगा, इसका फैसला आज होगा। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को, न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हराकर फाइनल में पहुंचा। दोनों टीमें पहली मर्तबा T20 वर्ल्ड कप के फातह का ताज सर पर सजाने के लिए मैदान में उतरेंगी। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए पाक फौज के मजीद 3 जवान वतन पर कुर्बान हो गए। ISPR के मुताबिक होशाब सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इतलाक पर कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले में लांस नाइक लियाकत और सिपाही रमजान शहीद हुए। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान देसी साख बारूदी सुरंग फटने से सिपाही इनामुल्लाह शहीद हो गए। जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हुक्मरानों को बहिरा अरब ने गर्क न किया तो मुल्क की बका खतरे में। इस्लामाबाद तक जाएंगे, नाहलों को भगा कर दम लेंगे। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कराची में जलसे से खिताब, कहा मौजूदा हुक्मरानों को कौम पर हुक्मरानी का कोई हक नहीं। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान राबता, दोनों रहनुमाओं का मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। PDM के एहतजाजी प्लान को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। नवाज शरीफ ने हुकूमत को पार्लियामेंट में टफ टाइम देने और अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पर इत्मीनान का इजहार किया। मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा शाहिद खाका नवासी का कहना है कि तमाम जमातें बात पर मुत्तफिक हैं कि आइन की बालादस्ती हो। PDM इक्तदार नहीं चाहती, PDM पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रही है। वो कराची में PDM के जलसे से खिताब कर रहे थे। वफाकी वज़ीर दाखला शेख रशीद अहमद कहते हैं PDM वाले खुद को खवार कर रहे हैं, मुखालिफीन इलेक्शन मुहिम पर हैं। हुकूमत को कोई खतरा नहीं, धरने का सबब वो था जब फजलुर रहमान इस्लामाबाद आए थे। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने भी मुल्क में महंगाई का एतराफ़ कर लिया। करक में जलसे से खताब करते हुए महंगाई है जिसे हमने कंट्रोल करना है। माजी की हुकूमतों ने अरबों डॉलर का कर्जा लिया, वो कौन अदा करेगा। इमरान खान ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया है। वफाकी वजीर बनवास लाह मुराद सईद ने अपोजिशन को मौसमी बीमारी करार दे दिया। करक में जलसे से खताब करते हुए कहा अपोजिशन सड़कों पर आने की तारीख पर तारीख दे रही है। अपोजिशन वाले मौसमी बीमारी हैं, ये सर्दियों में निकल आते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का एपेक्स कमेटी का महाना और एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 15 दिन बाद बुलाने का हुक्म दे दिया। इमरान खान ने 200 अरब के मंसूबों और तुर्बत एयरपोर्ट को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी कर दी है।
चौधरी परवेज इलाही ने हुकूमती रवैये पर शदीद नाराजगी का इजहार कर दिया। कहते हैं हम उनका साथ निभा रहे हैं लेकिन ये नहीं निभा रहे। पार्लियामानी कमेटी के इजलास में मुशावरत के बाद मुतफिक का फैसला जारी किया जाएगा। इतिहादियों को हमेशा अहमियत दी, उनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप मजीद बेहतर बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान मुश्ताक इतिहादियों को पैगाम, कहते हैं कि पंजाब ने कभी सोलो पॉलिसी अख्तियार नहीं की, पंजाब में मुशावरत का अमल हमेशा तरजीह रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि नैब गर्दी समेत सेलेक्ट हुक्मरानों से तमाम मुजालिम का हिसाब आइंदा आम इंतखाबात में लेंगे, जो अब ज्यादा दूर नहीं। जुल्म की जंजीरें टूट रही हैं, नैब गर्दी का खात्मा नोश्ता दीवार है। आसिफ जरदारी की मुश्किलात में इजाफा, 25 साल पुराने केस में नैब की अपीलें इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इस्तेमाल के लिए मुकर्रर। नैब ने 2014 में आसिफ जरदार की बरियत को चैलेंज किया, आज तक साबिक सदर को नोटिस ना हो सका नैब का मौकिफ। लाहौर में ज़ाते स्मोक हिकमत अमली तैयार, 5 खसूसी स्क्वाड्स तश्कील। एंटी स्मोक स्क्वाड का पुलिस एनवायरमेंट इंस्पेक्टर वासा एनसीएल इंडस्ट्रीज हिस्सा। कमिश्नर लाहौर ने वाजे कर दिया, कहते हैं कि लाहौर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन के लिए 2 टीमों की भी तश्कील। लाहौर जिगजैग पर मंतकल भट्टो और तमाम फैक्ट्रीज के सरे नो दोबारा चेकिंग कराने का फैसला। पंजाब में फजाई आलूदगी और स्मोक तेजी से फैलने लगी, लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद से तजावज कर गया। शहर का मजमू को एयर क्वालिटी इंडेक्स 328 रिकॉर्ड किया गया। सीनियर अदाकार सुहेल असकर इंतकाल कर गए, गुज़श्ता 1.5 साल से अलील थे। मरहूम की अहलिया कहती हैं बड़ी आंख का ऑपरेशन हुआ लेकिन वो ठीक नहीं हो सके, एक हफ्ते से अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। ज़ियाबतीस के आलमी दिन और इंसुलिन की दरियाफ्त के 100 साल मुकम्मल होने पर सनूफी पाकिस्तान की जानिब से सेमिनार का इनेकाद किया गया। तिबी माहिरीन का मुल्क में ज़ियाबतीस के मरीजों की बढ़ती हुई तादाद पर तशवीश का इजहार। लाहौर में हमदर्द पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम सेमिनार का इनेकाद, तिबी माहिरीन ने तिब यूनानी की अफादियत, सादा गजा, फल सब्जियों का इस्तेमाल और फास्ट फूड के नुकसान बारे आगाही दी। कब्ज मेदे की बीमारियों से कैसे निजात हासिल की जाए, इस हवाले से भी मुफीद मशवरे दिए। पर्सन नुमान न्याज और शुएब अख्तर के दरमियान सुलह हो गई, नुमान न्याज ने कौमी फास्ट बॉलर से गैर मशरूत मुआफी मांग ली। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी ने नुमान न्याज और शुएब अख्तर को अपने घर बुलाकर मामला रफा दफा कराया।